डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और फर्स्ट टाइम पेपर के लिए मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ। आप लोग अपनी कापी पेंसिल और चीज़ों को पकड़ लें ताकि साथ साथ निशानी लगाते जाएं, बुक को पकड़ लें और जहाँ पर प्रॉब्लम हुआ मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ आपकी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। आप मुझे सपोर्ट करेंगे मेरा चैनल सब्सक्राइब करके, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करके। तो हमारे पास लेटर नंबर 1 से लेकर 5 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। 6, 8, 10, 11, 12 ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेटर है जिसको आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। समरी स्टॉपिंग बाय वर्ड्स एंड डेफोडा, दोनों ही समरी, क्योंकि कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है इसलिए इनको लिख कर लाजमी देख लेना ताकि कोई भी मिस्टेक पेपर में ना हो। आज गलती घर में निकाल लीजिएगा लेकिन कल को गलती का कोई भी अजाला नहीं होगा। नेक्स्ट है कंप्रीहेंसिव पैरे जो सॉल्वड है, 1, 2, 3, 4 बहुत इंपॉर्टेंट, 5, 7, 9। नेक्स्ट है अनसॉल्व जो कंप्रीहेंसिव पैरे हैं, 3, 4, 5, 8, 11 और 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 1 में 2, 3, 7, चैप्टर नंबर 2 में 1, 2, चैप्टर नंबर 3 में 3, 4, चैप्टर नंबर 4 में 2, 3, 7 और चैप्टर नंबर 6 में 2, 5, चैप्टर नंबर 7 में 1, 3, 4, चैप्टर नंबर 9 में 2 एंड 5, चैप्टर नंबर 10 में 1, 2, 4, चैप्टर नंबर 11 में 1, 2, 5 बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट है मेक सेंटेंसेस, जो आपने जुमले 5 नंबर का आपका ये क्वेश्चन आता है पेज नंबर 8 में, एक्सरसाइज डी है जिसको करेंगे। पेज नंबर 16 में एक्सरसाइज सी है जिसको करेंगे। पेज नंबर 40 में एक्सरसाइज बी है जिसको करेंगे। पेज नंबर 66 पे एक्सरसाइज डी है जिसको करेंगे। पेज नंबर 77 एक्सरसाइज सी है जिसको करेंगे। पेज नंबर 98 एक्सरसाइज डी है जिसको करेंगे। ट्रांसलेट, जो ट्रांसलेशन के लिए पैराग्राफ है चैप्टर नंबर 1 में 3, 6, 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 2 में पैराग्राफ नंबर 1 और 3 है। चैप्टर नंबर 4 में 2, 4 और 7 है। चैप्टर नंबर 6 में 1 और 4 है। चैप्टर नंबर 7 में 4, 6, 7 और 10 है पैराग्राफ। चैप्टर नंबर 9 में 1, 4, 6, 9 और 10 इंपॉर्टेंट है। आगे इंपॉर्टेंट यूनिट जो हमारे पास पैराग्राफ हैं 1 एंड 3, 6, आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3, यूनिट 2 पैराग्राफ नंबर 1, 2, 3 जिनको दोबारा साथ रिपीट किया जा रहा है। क्वेश्चन हमारे पास 1 यूनिट 3, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, यूनिट 4 पैराग्राफ 2, 3, 6, 7, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, यूनिट 6 पैराग्राफ नंबर 2, 3, 4, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5, यूनिट नंबर 7 पैराग्राफ नंबर 1, 3, 10, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6, यूनिट नंबर 9 पैराग्राफ नंबर 1, 4, 6, 8, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5, यूनिट 10 पैराग्राफ नंबर 1, 3, 4, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, यूनिट नंबर 11 पैराग्राफ नंबर 5, 1, 5, 7 और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5, यूनिट नंबर 12 और पैराग्राफ नंबर 2 एंड 9। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट जो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, जिसमें इंपॉर्टेंट यूनिट नंबर 1 पैराग्राफ नंबर उसमें 1, 3, 6 और क्वेश्चन नंबर 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनिट 2 में पैराग्राफ नंबर 1, 2, 3 और क्वेश्चन नंबर 1। यूनिट नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 है। यूनिट नंबर 4 में पैराग्राफ नंबर 2, 3, 6, 7 है और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 है। यूनिट नंबर 6 में पैराग्राफ नंबर 2, 3, 4 है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5 है। यूनिट नंबर 7 में पैराग्राफ नंबर 1, 3, 10 है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6 है। यूनिट नंबर 9 में पैराग्राफ नंबर 1, 4, 6, 8 है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5 है। यूनिट 10 में पैराग्राफ नंबर 1, 3, 4 है और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 है। यूनिट नंबर 11 पैराग्राफ नंबर 1, 5, 7 है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5। यूनिट नंबर 12 में पैराग्राफ नंबर 2 एंड 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।